नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अगर आप कोई शुभ काम करने चले और एकदम अचानक विघ्न पड़ जाए तो आपका मन खराब हो जाता है। यह लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, कहीं कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हो, कोई पद ग्रहण कर रहे हो, उस बीच में कुछ अशुभ काम हो जाए तो खराब लगता है। उससे पहले हो जाए तो खराब लगता है, उसी समय हो जाए तो खराब लगता है, बाद में हो जाए तो खराब लगता है। कल ऐसे ही कुछ हुआ। मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे तब तक कश्मीर में आतंकियों ने तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला कर दिया, 10 लोगों की मौत हो गई। आतंकवादियों को पता था कि अजीत डोभाल जी व्यस्त होंगे अपने साहेब की सेवा में, सारी एजेंसियां लगी होंगी साहेब की सेवा में, कश्मीर का ध्यान किसको होगा। उससे पहले अजीत पवार मुंह फुला के, जब से हम लोग मजाक में कहते हैं कि बारात में जो फूफा होता है वो मुंह फुला के बैठ जाता है, तो अजीत पवार कुछ इसी स्टाइल में बैठ गए। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि भाई मैं कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूँ, मुझे राजमंत्री का पद दिया जा रहा है तो मैं कैसे ले लूँ, मेरा डिमोशन थोड़ी ना होगा। हालांकि महाराज में डिमोशन और प्रमोशन कोई नया बड़ा मुद्दा नहीं है, सीएम होते हैं और वह डिप्टी सीएम बन जाते हैं फडणवीस साहब, लेकिन नाराजगी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। एकनाथ शिंदे गुट ने आज शायद शाम को मीटिंग बुलाई है और महाराष्ट्र की गतिविधियाँ बहुत तेज हो गई हैं। अजीत पवार की जिस तरह से बेइज्जती हुई है, अपमान हुआ है, उससे अजीत पवार आहत हैं। उनको लगता है कि मैंने चाचा को, जिसने मुझे उंगली पकड़ के राजनीति करना सिखाई, मैंने उसकी पीठ में छुरा घोंपा, उनको धोखा देकर तो मैं मोदी जी की तरफ आया और मोदी जी ने भी एंड टाइम पर लात मार दी। ये कोई नई परंपरा नहीं है, मोदी जी हमेशा ऐसा करते आए हैं, जिस समय जरूरत होती है उस समय गले लगाते हैं और बाद में फिर वो देखते नहीं हैं। अजीत पवार को एहसास हो गया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें देने वाला महाराष्ट्र, उसने लोकसभा में जो नतीजे दिए उसकी उम्मीद थी नहीं किसी को। इतना बुरा हाल हो जाएगा भाजपा का, ये सोचा नहीं था किसी को। और अब कुछ महीने बाद चुनाव होने को हैं, भारतीय जनता पार्टी परेशान है, करे तो करें क्या। उद्धव ठाकरे पर डोरे डाले जा रहे हैं क्योंकि जो सहानुभूति मिली है उद्धव को, महाराष्ट्र के लोगों ने बता दिया कि असली ठाकरे परिवार तो अभी भी वो उद्धव को मानते हैं और असली शिवसेना अभी भी उद्धव को मानते हैं। कुछ महीनों बाद जब चुनाव होंगे तो कौन किसके साथ जाएगा, इसको लेके बहुत ज़्यादा रस्साकशी चल रही है। तो मैंने सोचा महाराष्ट्र की राजनीति पर आज महाराष्ट्र के दिग्गज लोगों से बातचीत की जाए, तो मैं आज आपको महाराष्ट्र ले चलता हूँ, वहाँ के कुछ जाने माने पत्रकारों से मुलाकात कराता हूँ, तो चर्चा में मेरे साथ शामिल होंगे। मेरे साथ हैं सुभाष जी, और सुभाष जी न्यूज़ नेशन के बहुत लंबे समय तक ब्यूरो चीफ रहे हैं, बहुत लंबे समय उन्होंने काम किया है, महाराष्ट्र के बेहतरीन पत्रकारों में वो शामिल हैं, बहुत अच्छा अनुभव है। मेरे साथ हैं सोहित मिश्रा, एक क्रांतिकारी नौजवान पत्रकार, NDTV छोड़ा था इन्होंने और फिर सनसनी फैला दी थी NDTV छोड़ने के बाद, देश में इनकी चर्चा हुई थी, देश के जितने बड़े लोग हैं उन्होंने सबने बधाई दी थी इस नौजवान को, अपना बहुत बेहतरीन एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, आज मेरे साथ इस चर्चा में हैं। मनीष कुमार सिंह हमारे महाराष्ट्र के स्थानीय संपादक, वो हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे और हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले मनीष आप ही बताइए कि चल क्या रहा है महाराष्ट्र में और ये राजनीति किस दिशा में जा रही है महाराष्ट्र की। जी संजय जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जैसा कि मैं शुरू किया, हमने तो एक अपडेट हम दे ही देते हैं कि जब से एकनाथ शिंदे वापस लौटे हैं तब आज जो है उनकी एक बड़ी मीटिंग उन्होंने बुलाई हुई है, 6 बजे तकरीबन जो है उन्होंने विधायकों को बुलाया हुआ है मीटिंग के लिए, और 7 बजे जो है वो अपने सांसदों के साथ बैठेंगे, और माना जा रहा है कि इसमें बहुत सारी जो है डिस्कशन होंगे, जो परिणाम आए थे उनके मुताबिक नहीं हुए, जिसको लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी आगे, और अभी क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं आगे तो उसको लेकर के किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि जो माहौल है, जो सिचुएशन है, जो हालात है, वो बिल्कुल भी बीजेपी और NDA के पक्ष में महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं है, और उम्मीद जो उन्होंने लगाई थी वो तो उलट पलट हो चुका है पूरी तरीके से। तो अभी क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिनों पहले ही अजीत पवार जो है उन्होंने भी अपने घर पर विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 5 विधायक जो है वो नदारद हो गए थे, हालांकि अपने अपने उन्होंने रीजन दिए, लेकिन जिस टाइम पर वो नदारद हुए हैं वो टाइम बड़ा अनोखा है कि जब ऐसे में खबर आ रही है कि उनके अंदर अंतःकलह चल रहा है, बहुत सारे नेता शरद पवार के कॉन्टेक्ट में है, ऐसे टाइम पे 5 विधायकों का गायब हो जाना, नहीं आना, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक इंडिकेट करता कि काफी कुछ खिचड़ी पक रही है। और अभी तो सारे अपडेट मिल ही गए होंगे कि किस तरीके से NDA की मीटिंग हुई थी 4 जून के बाद, उसके बाद भी अजीत पवार जो है वो दिल्ली नहीं पहुंचे,
और उसके बाद आप जब इतना बड़ा शपथ समारोह हुआ है वहां भी अजीत पवार नहीं पहुंचे हैं, बल्कि अपना कुनबा बचाने में महाराष्ट्र की राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि 1 से 1.5 घंटे का उनको समय दिया गया था, एक मंत्री पद ऑफर किया गया क्योंकि एक पद हम आपको देते हैं, उसमें भी एक नाम वो नहीं दे पाए क्योंकि वहां 2 मंत्री आपस में जो है वो भिड़े हुए दिखाई दिए, उनको जो कैबिनेट में है वो राज्य मंत्री कैसे ले लें, और सुनील तटकरे जो नए नए अभी चुन करके आए हैं वो कैसे जो है अपने आप को अब दावा ठोक रहे हैं, अपने आप को आगे कर रहे हैं क्योंकि इकलौते जो है वो जीत करके आए हुए अजीत पवार के पार्टी से नेता है, तो ऐसे में खींचतान तो होनी ही थी। अब देखना होगा कि इस खींचतान को वो कैसे रोक पाते हैं, इसीलिए एकनाथ शिंदे वापस आती हुई उन्होंने तुरंत अपने विधायकों की और सांसदों की मीटिंग बुला ली है कि मनपट आखिर चल क्या रहा है, और इसी बीच जो खबर आ रही थी कि बहुत सारे लोग जो संपर्क में है ओपीडी ग्रुप में, उस पर भी उन्हें मोटा मोटा आकलन आज मिल ही जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, बीच में निरंजन जी जुड़ गए हैं द वीक मैगजीन में बहुत लंबे समय तक, और शानदार पत्रकारिता की, जस्टिस लोया आपको याद होगा हत्याकांड, हत्याकांड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी लोगों के दिमाग में वो हत्याकांड जैसे ही गूंजता है, वो उसकी एक्सक्लूसिव खबर उन्होंने निकाली थी। निरंजन जी जो चल रहा है महाराष्ट्र में उसके किन अर्थों में देखा जाए, अजीत पवार ने कह दिया मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, मोदी जी मुझे राजमंत्री बना रहे हैं, एंड इस स्थिति में क्या शिंदे सरकार पर भी असर पड़ सकता है? अजीत पवार कुछ का जो मुंह फूला हुआ है और जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा निरंजन जी, आपका माइक। निरंजन जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं तो उसमें महाराष्ट्र की 288 में से 184 सीट्स पर आज ये इंडिया अलायंस आगे है, तो सरकार बनाने की, मगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो इतनी सीटें तो इंडिया अलायंस यहाँ ये इंडिया अलायंस की चुनकर आए हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान ऐसी सूरत में ये अजीत पवार गुट का और एकनाथ शिंदे गुट का, ये दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो जो विधायक आज असेंबली में है इन दोनों गुटों के, उनको अपना भविष्य बहुत ही खतरे में दिखाई दे रहा है। ऐसी सूरत में अंदरूनी तनाव होना, उनके आपस में झगड़े होना, कई लोगों का वापस राष्ट्रवादी कांग्रेस में या कांग्रेस में लौटने का मतलब उनकी मानसिकता बन रही है, ये बहुत स्वाभाविक है। मुझे तो पता चला है कि हमारे नासिक में छगन भुजबल खुद किसी ना किसी से छगन भुजबल जो मंत्री है महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट, वो भी वापस लौटना चाहते हैं, तो ये तो जरूर होगा। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अजीत पवार गुट की है वो बनी है, किस तरह से अलायंस पार्टनर्स को दिल्ली में ट्रीट किया गया, अशोक चव्हाण जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, पूरी तरह से अशोक चव्हाण को नरेंद्र मोदी ने नजरअंदाज कर दिया था, वो बार बार हाथ जोड़कर उनके सामने जाकर उनकी उनका अभिनंदन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको देखा तक नहीं उनकी तरफ नरेंद्र मोदी ने, तो और अजीत पवार किस तरह आपने जैसे कहा मुंह फुलाए बैठे हुए थे वहां पर, तो ये सभी ने देखा है और इसका कुछ ना कुछ परिणाम असर तो डेफिनेटली होगा। और 3 महीने बाद असेंबली चुनाव है और उस वक्त 3 महीने बाद की हार आज दिखाई दे रही है, ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टियों में, दोनों गुटों में, एकनाथ शिंदे पवार के भी, ये दोनों गुटों में फूट पड़ेगी, उनमें से कई सारे विधायक ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पार्टीज में जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, यही आसार यही लग रहे हैं कि लड़ाई की तलवार कुछ ज्यादा मैदान से निकाल ली है। सुभाष जी, एक जीतन राम मांझी अकेले जीते थे MP और जीतन राम मांझी को कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया, तो ये तो अन्याय है महाराष्ट्र के साथ। अगर अजीत पवार इतने मन के साथ आए थे, अपने चाचा को धोखा देकर आए थे, पीठ को छुरा घोप के आए थे, तो कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्टर तो दिया जाना चाहिए था। राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रफुल्ल पटेल पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर डिमोशन करना उनका, क्या लग रहा है ये लड़ाई अब और बढ़ेगी? क्या अजीत पवार महाराष्ट्र में और केंद्र में कुछ अपना कोई और अलग फैसला ले सकते हैं? पूरा महाराष्ट्र की राजनीति पे आपका क्या मानना है? सुभाष जी माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। सुभाष जी माइक आपका म्यूट है, हो गया जी, कंटिन्यू प्लीज। अजीत पवार इस लोकसभा चुनाव में खत्म हो गए क्योंकि वो अपने बेटे को 2019 के चुनाव में जीतकर नहीं ला पाए, इस बार
वो अपनी पत्नी को जीतकर नहीं ला पाए। तो जो नेता अपने घर में ही हारा हो उसको उसका और कोई तवज्जो रहता नहीं है, और इसलिए फडणवीस इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि क्यों एमओएस दिया जा रहा है एनसीपी को। उनका कहना यह था कि शिंदे जिनके साथ विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं उनको एमओएस दिया गया है, वो राजी हो गए तो आपके लिए भी हम एमओएस दे रहे हैं। इसलिए प्रफुल्ल पटेल चूंकि मिनिस्टर रह चुके हैं इसलिए वो एमओएस पे एक्सेप्ट करना उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने नकारा। लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं क्योंकि अब लग ये रहा है बीजेपी को कि एनसीपी अजीत पवार गुट जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि सिर्फ एक सांसद उनका जीत के आया है, जो वोटिंग परसेंटेज मिला है वो भी बहुत कम है। बीजेपी को जो उम्मीद थी कि पिछली बार उनको 42 सीटें मिली थी उसमें इजाफा कुछ हो सकता है अजीत पवार के आने के कारण, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी 9 तक सिमट गई है, जो 23 पिछली बार 2019 में थी वो 9 तक सिमट गई है। दूसरा, जो मराठा कार्ड खेलने की बीजेपी ने कोशिश की थी कि उनको लग रहा था कि मराठा उनके साथ आएंगे अजीत पवार और अशोक चव्हाण इनके चलते, लेकिन हम देख रहे हैं कि 54% जो सांसद आज की तारीख में चुन के आए हैं उसमें से एमवीए के पास है, वो यानी महाविकास आघाड़ी के पास 54 मराठा सांसद है, टोटल 26 सांसद है मराठा जीत के आए हैं, यानी उसमें से 14 एमवीए के पास है और सिर्फ 11 महायुति के पास है यानी बीजेपी और गठबंधन के पास है। ओबीसी अगर हम देखें तो 6 सांसद बीजेपी के खिलाफ एमवीए के पास चले गए हैं और बीजेपी के पास सिर्फ 3 है, तो मराठा वोट जो है वो उनके घट गए हैं। ओबीसी जो उनका पहले से एक बेस था उसमें भी सेंध लगा दी है एमवीए ने, तो जाहिर है कि इसको हम अगर देखते हैं तो ये 3 महीने में बदलाव तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी अजीत पवार से नाराज है, उनको स्वाभाविक है क्योंकि अजीत जो दूध देती हुई गाय अगर काम नहीं कर रही है तो उसको कसाई के पास पहले छोड़ा जाता था, तो वैसे ही माहौल कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ये लाइन आपने बहुत सही कही कि दूध देती गाय अगर दूध नहीं दे रही है तो उसे कसाई क्या छोड़ो। ये कम से कम आपने एक मैसेज दे दिया कि जो मोदी जी के करीब आए हैं चंद्रबाबू नायडू, और अगर नीतीश कुमार आपकी लाइन सुन रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि दूध देती गाय तभी तक काम की है जब तक दूध देती रहे। सुहेल भाई, क्या लग रहा है कि आपको अब अजीत पवार वो गाय की तरह हो गए हैं, दूध नहीं दे रही है, कसाई के पास छोड़ने की तैयारी हो रही है, होगा क्या महाराष्ट्र की राजनीति में? जी बिल्कुल, देखिए जो आंकड़े सामने आए हैं वो अजीत पवार के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दर्शकों को एक और बात बता दें, हम जब अजीत पवार की बात करते हैं तो हम बारामती की बात करते हैं कि कैसे 1.5 लाख वोट से सुप्रिया सुले जीती है, और बारामती में भी किस तरह से जो अजीत पवार का गढ़ है जहां से वो खुद एमएलए हैं वहां पर भी सुप्रिया सुले को जो है बहुत बड़ी लीड मिली है। लेकिन एक दूसरा आंकड़ा जो कोई नहीं देता वो मैं आपको दे दूं, लक्षद्वीप में भी दोनों एनसीपी में चुनाव लड़ा और 2014 से बाद से वो लगातार लड़ते आ रहे हैं। इस बार जहां पर शरद पवार ने जो इनकम्बेंट एमपी थे मोहम्मद फैजल उन्हें मैदान में उतारा, तो अजीत पवार के गुट ने यूसुफ टीपी को मैदान में उतारा, और आप जानते हैं अजीत पवार के गुट जिनके पास सिंबल है जिनके पास नाम है उनके कैंडिडेट को लक्षद्वीप में मिले 201 वोट, केवल 201 वोट मिले हैं उन्हें। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो किस हद तक जो है कम हुई है, क्योंकि जनता को भी ये समझ में आया था कि शरद पवार की जो एनसीपी है या शरद पवार ने जिस पार्टी की स्थापना की है उस पार्टी को अगर आप अचानक से एक दिन में बदल देंगे, और आप जिस तरह से बयान अजीत पवार की ओर से दिए गए, जिस तरह के बयान खुद प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए, शरद पवार को भटकती आत्मा कहना, उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे की नकली संतान कहना, फिर उसके बाद अजीत पवार एक तरीके से वो कहते हैं कि हर बार कहते हैं आखिरी चुनाव है, पता नहीं आखिरी चुनाव कब होगा, उसे एक तरीके से देखा गया कि क्या आप शरद पवार की मौत का इंतजार कर रहे हैं, तो ये सारी बातें जनता में अच्छे से नहीं गई हैं। और आप कुछ भी कहें, शरद पवार एक सीजन पॉलिटिशियन है, वो बोलकर अपनी बात नहीं रखते हैं। वो इस चुनाव में भी, मैं आपको बता दूं, अजीत पवार जहां बड़े बड़े बयान दे रहे थे मिसाल के तौर पर, वो जो एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हर जगह पर जाते हुए कहते थे मैं देखता हूं कि तुम जीतते कैसे हो, मेरा हिस्ट्री तुम देख लो, मैं तुमको बताता हूं, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। शरद पवार ने ऐसा कुछ नहीं किया। पश्चिम महाराष्ट्र में जितने भी उनके जो दुश्मन थे या जिनसे उनकी बनती नहीं थी लेकिन वो एक ही आइडियोलॉजी के थे, उन सभी के पास हो गए। आप देखिए सोलापुर में जहां से सुशील कुमार शिंदे आते हैं उनसे जाकर शरद पवार मिलते हैं, वो माढ़ा पर भी उसका असर पड़ता है, जो दूसरे निम्बाड़कर फैमिली है उनसे जाकर वो बातचीत करते हैं, अलग अलग जगहों पर जहां से भी उनके मतभेद थे इतने सालों में
उसे खत्म करने का काम शरद पवार ने किया और उसका असर इस चुनाव में देखने मिला। हम जहां पर अजीत पवार की बात कर रहे हैं वहीं पर यह भी बात करनी चाहिए कि ये कंबाइन फेलियर है खुद नरेंद्र मोदी का भी। 2019 की तुलना में दोगुने बार वो महाराष्ट्र में है और जहां जहां पर उन्होंने गए हैं अधिकांश जगहों पर जो है उनके जो कैंडिडेट थे वहां पर उन्हें हार मिली है। इसके साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के 7 सीटों का अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए कि बीजेपी का फायदा जहां एकनाथ शिंदे को हुआ है, एकनाथ शिंदे से कोई भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ है। इसलिए 7 सांसद आने के बावजूद यहाँ पर एक माहौल बनाया गया कि देखिए कैसे पुत्र मोह नहीं है, एकनाथ शिंदे के बेटे को जो है मंत्री पद नहीं दे रहे हैं। हकीकत यह है कि उन्हें पता था कि उन्हें जो है पूरा कैबिनेट नहीं मिलने वाला है, एक MOS मिलने वाला है, तो उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ये कहते हुए कि पुत्र मोह नहीं है वो दिखाने की बात की गई है। लेकिन जिस तरह से एक MOS दिया गया है एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार गुट को नहीं दिया गया है, इससे ये साफ है कि उन्हें पता चल चुका है कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति जरूर कर रहे हैं, जनता आपके साथ में नहीं है। आप जो एक बात उद्धव ठाकरे लगातार कहते गए हैं कि आप मेरे विधायकों को ले सकते हैं, आप मेरे सांसदों को ले सकते हैं, आप जनता को मुझसे अलग कैसे करेंगे, वो यहाँ पर होता हुआ नजर आया और इसका असर जो है असेंबली में देखने मिला। कई लोग हैं जिन्हें टिकट निकाला गया था, कई लोग ऐसे हैं जिनसे बड़े बड़े वादे किए गए थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, वो भी बदले का इंतजार कर रहे हैं। ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका असर आपको आने वाले कुछ समय में देखने मिलेगा और इसलिए आप देखें कि देवेंद्र फडणवीस अचानक से रिजाइन करने की बात करते हैं, दिल्ली जाते हैं, हालांकि वहां पर भी उन्हें एंटरटेन नहीं किया जाता है। और आप देखिए ये 5 साल में क्या कुछ हुआ है देवेंद्र फडणवीस के साथ। पहले 2 दिन की सरकार बनाते हैं, फिर उसका विरोधी पक्ष नेता बनते हैं, फिर कहते हैं मैंने बदला ले लिया, फिर लेकिन मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनते हैं जब वो कहते हैं कि मुझे इस सरकार में शामिल नहीं होना है, फिर आप दिल्ली जाते हैं कहते हैं कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं और मैं अपने लिए कुछ पार्टी के लिए करना चाहता हूं, अमित शाह उन्हें एंटरटेन नहीं करते हैं, फिर वो वापस आते कहते हैं नहीं मेरे पास अपनी स्ट्रैटेजी है मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूं। तो एक तरीके से ये कंबाइंड फेल है, फेलियर है 3 लोगों का, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का। और यहाँ पर जो विनर है वो कांग्रेस पार्टी तो है ही, लेकिन जो 2 शख्स हैं चाहे वो शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, वो मजबूती से महाराष्ट्र में बता पाए हैं कि जनता उनके साथ है। और आने वाले 3 महीने में सितंबर तक मुझे लगता है कि चुनावों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत लोग जो फेंस पर हैं अभी वो यहाँ पर कूदने की तैयारी में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सही, एक बात जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने बड़ी जान लगाई, आप कह रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले 2 बार वो आए, रोड शो किया, कारण क्या है कि प्रधानमंत्री की इन लच्छेदार बातों को महाराष्ट्र के लोगों ने स्वीकार क्यों नहीं किया, मूल बात क्या है, इसका कारण क्या है? देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जिस दिन मुंबई में वो रोड शो करने आए थे उस समय घाटकोपर में वहीं पर होर्डिंग गिरा हुआ था जहां पर वो आए थे, इतने लोगों की मौत हुई, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उससे पहले वो कल्याण गए थे, कल्याण हालांकि वो जीत चुके हैं, श्रीकांत शिंदे वहां से जीते हैं, उससे पहले वो नासिक में गए थे उसी दिन, और नासिक में किसान उनके ही यहाँ पर आए हुए थे जब वो मटन मछली भैंस मंगलसूत्र ये सारी बातें कर रहे थे मुसलमान, तब वहां पर जो प्याज के किसान मौजूद थे उन्होंने कहा आप हमारे प्याज की बात क्यों नहीं कर रहे, और जब ये बात उन्होंने की और ये माहौल बना तब नरेंद्र मोदी वहां से नारे लगाने लगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम और ये सारी बातें वो उन्होंने मंच से की, तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। यहाँ के जो मुद्दे थे आपने उस पर बात नहीं की, आप महाराष्ट्र से सारे उद्योगों को आप लेकर जा रहे हैं गुजरात, मुंबई के जो डायमंड बोर्ड है उसे आप सूरत लेकर जाते हैं, आप यहाँ के चीजों को महाराष्ट्र से बाहर ले जाएंगे। जब तक यहाँ पर पुरानी सरकार थी हमने देखा कि जो GST से पैसा आना था आपने आने नहीं दिया, आपने बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया, जो आपके पूर्व राज्यपाल थे वो इस सरकार के कितने खिलाफ थे वो हमने देखा। जब हम अब बात करते हैं कि जो बारिश ज्यादा आ रही है या जो धूप गर्मी ज्यादा बढ़ी थी, आपने यहाँ पर लगातार पेड़ काटे, आपने सब कुछ अदानी को दे दिया, आपने धारा भी अदानी को दे दिया, आप एक एक करके जो सारी चीजें हैं यहाँ पर अपने जो 2 गुजराती दोस्त है उन्हें दे रहे हैं। मराठी माणूस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप सोचिए चुनाव के समय, उससे पहले मैं आपको मुलुंड की एक घटना बताता हूँ। यहाँ पर एक गुजराती सोसाइटी था जहां पर यह कहा गया कि हम महाराष्ट्रियंस को, मराठी भाषी को यहाँ पर घर नहीं देंगे। अगर आप मराठी भाषी को मुंबई और महाराष्ट्र में घर नहीं देंगे तो इसका असर देखने मिलेगा। और जिनको आप कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और उन्हें आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे और आप बतौर प्रधानमंत्री शरद पवार को भटकती आत्मा कहेंगे, शिवसेना को नकली शिवसेना कहेंगे उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे की नकली संतान कहेंगे, तो ये बातें लोगों को पसंद नहीं है। आपने मूल मुद्दों पर बात नहीं की, कपास सोयाबीन 2 बड़ा मुद्दा था प्याज के साथ ही किसानों के लिए, उस पर कुछ नहीं किया गया, सूखा पर कुछ नहीं किया गया, जबकि सरकार आपकी है,
तो इन सबका असर देखने मिला और प्रधानमंत्री की जो वैल्यू थी महाराष्ट्र में वो धीरे धीरे, उनकी पॉपुलैरिटी कितनी खत्म हो गई वो तो हमें नतीजों से पता चल रहा है। कई जगहों पर मैं अभी मानता हूं कि अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, मसलन के तौर पर आप ईडी आईटी सीबीआई गोदी मीडिया इन सबका जो इस्तेमाल किया, चुनाव आयोग इनका जो इस्तेमाल नहीं किया होता, तब भी जो सीपीआई है उससे भी कम होती और इसका असर और भी बड़े पैमाने पर देखने मिलता महाराष्ट्र। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत कायदे का मुद्दा है क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों में एक नाराजगी तो ये है ही है कि यहाँ का सब कुछ उठा के आप गुजरात में दे दे रहे हैं और महाराष्ट्र और गुजरात का संघर्ष की कहानियां तो हम लोग सब सुन ही चुके हैं। मनीष, ये जो नाराजगी है मोदी जी का चेहरा के बाद में कोई जो नाराजगी नजर आ रही है, इसके नाराजगी का असर क्या विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा? मोदी जी को हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जीतने का बहुत मन है, क्या लगता है कि ये जो मोदी जी का चेहरा है ये जिस तरह धूमिल हुआ है, जिस तरह से वोट प्रतिशत गिरा है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अगर वो प्रचार करने आएंगे जितनी बार इस बार आए उससे भी ज्यादा आएंगे तो क्या असर होगा इसका? संजय जी बिल्कुल, उसका असर होगा, क्या असर दिखाई दे रहा है अभी इसी समय दिखाई दे रहा है। अभी ये जो विधायकों में जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से हमने पहले भी रिपोर्ट की है कि जो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं बैठी हुई है मन में कि रहे इन दलों में या जाए, इन्हीं चीजों को लेकर के तो ये सारे के सारे जो खबरें हैं कि हम एक दूसरे के संपर्क में हैं, ये खबरें इसलिए आ रही हैं क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में भी अगर ये मौजूदा पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो कितना जीतेंगे, नहीं जीतेंगे इसके संदेश ज्यादा ही है। इसी चीज को लेकर के ये भी थोड़े से कहीं ना कहीं मन में घबराहट है कि आखिर यहाँ रहा जाए या जाया जाए, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो वेट एंड वॉच की परिस्थिति में है कि आखिर किया क्या जाए। आप देखिए, इसीलिए तुरंत लोकसभा जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद तुरंत मीटिंग बुलाई जा रही है जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे अजीत पवार की तरफ से हो या फिर आज होने वाली जो एकनाथ शिंदे की तरफ से हो। आप देखिए, विधायकों को भी बुलाया जा रहा है, पहले विधायकों की मीटिंग है, उसके बाद फिर सांसदों की मीटिंग बुलाई गई है, तो उनका मन टटोलने की राजनीति अभी से शुरू हो गई होगी। मैं पहले भी, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था संजय जी, कि जब इनकी मीटिंग हुई थी अजीत पवार की सांसदों के साथ में, तो उसमें ये बात बहुत उभर के सामने आई थी जो हमने पहले रिपोर्ट की थी कि वो चाहते हैं कि जो नेता है, जो अजीत पवार के एनसीपी के नेता, उनको भी कैबिनेट में जगह मिले। ये पहले ही हुई थी, अभी ये एक दिन दो दिन पहले की बात नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है कि कैबिनेट में भी उनको जगह मिले, जो प्रमुख पद है उनको दिया जाए और साथ ही साथ जो नेता है उन पर ध्यान दिया जाए एटलीस्ट, ताकि उनमें नाराजगी ना हो। और नाराजगी थी जो पूरे इलेक्शन में वो दिखाई दी है, और एनडीए गठबंधन बराबर नहीं लड़ पाया है सीटों के बंटवारे से लेकर के, चाहे शुरुआती दिनों की बात करें, फिर कैंपेन की बात करें या रिजल्ट की बात करें, खामियां दिखी ही दिखी है। और 20 मई को जब समाप्त हुए थे वोटिंग, उसके बाद ही इनके आपसी मनमुटाव सामने आने लगे थे, 4-5 इंसिडेंट हमने शेयर किए थे, तो जाहिर सी बात है ये चीजें तो चली रही हैं, आपसी अंतर्कलह है ही। अब भविष्य में जो इलेक्शन होने वाला है उसको लेकर के जो विधायक हैं, अब उसमें भी दो दिमाग जो है चल रहा है कि रहें या जाएं, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि पहले भी हम कह रहे थे कि कोई भी चुनाव संजय जी लड़ता है विपक्ष में बैठने के लिए नहीं बल्कि सत्ता में बैठने के लिए, सत्ता में ही हर कोई रहना चाहता है चुनाव जीत करके, तो उसी को देखते हुए पूरा प्लानिंग चल रही है। और जाहिर सी बात है बिल्कुल असर दिखेगा, क्योंकि अब पता नहीं वो अगर इसी विधानसभा में इसी मौजूदा दल से लड़ते हैं, मोदी का नाम लेके लड़ते हैं या नहीं भी लेके लड़ते हैं, लेकिन वो जहन में बात तो रहती ही है, तो जाहिर सी बात है उन पर असर पड़ेगा, जिसको लेकर के वो 100% श्योर नहीं है कि हम जीत के आएंगे ही आएंगे मौजूदा पार्टी में अगर हम लड़ते हैं तो। बिल्कुल ठीक बात है सुभाष जी, एक बड़ी बात यह है कि विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा सिर्फ एक विधानसभा नहीं है, एक आर्थिक राजनीति है, आर्थिक राजधानी है, धन की एक पाइपलाइन है जो दिल्ली सरकार चाहती है कि यहाँ पे हमारा कब्जा बना रहे। और ये भी चर्चा चल रही है कि मोदी जी उद्धव पे कुछ डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उद्धव ठाकरे मोदी के संग किसी मंच पर आ सकते हैं, किसी जगह बात हो सकती है, उद्धव का मन बदला जा सकता है, आपका क्या मानना है? तो मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे वापस चले जाएंगे बीजेपी के पाले में, क्योंकि जो घाव उनके ऊपर हुए हैं वो बहुत ही अंदरूनी है। मैं आपको बताऊं कि 2018 में उनकी इनकम टैक्स की फाइलें किरीट सोमैया के जरिए इनकम टैक्स के पास चली गई थी, और उसके कारण किरीट सोमैया को उन्होंने 2019 के चुनाव में उम्मीदवारी तक देने के लिए बीजेपी को मना किया था। और ये जो उनके अंदरूनी जो इन्वेस्टमेंट है या बाकी सारी चीजें हैं वो बीजेपी ने तलाशी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सबका प्रयोग किया। जो रविंद्र वायकर अंत में, यानी चुनाव के कुछ दिनों पहले ही वो शिफ्ट हो गए शिंदे गुट में, रविंद्र वायकर, इनकी पत्नी और
उद्धव ठाकरे इनके नजदीकी रिश्तेदार, इनके कहीं ना कहीं बिजनेस रिलेशंस थे और इसको प्रोब कर रही थी ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स, और यही कारण था कि रविंद्र वायकर ये पलटकर खुद को बचाने के लिए और अपने आका को बचाने के लिए शिंदे गुट के पास चले गए और वहाँ पे उनकी जीत हुई। हालांकि वो भी डिस्प्यूट है जीत, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे सोहित बोल रहे थे, एक सबसे बड़ा जो मुद्दा था महाराष्ट्र प्राइड का, वो बीजेपी ने यहाँ पे उसको आनाकानी की। देखिए शिवाजी महाराज इनको अभी तक 450 साल के बाद भी जाना क्यों जाता है, क्योंकि औरंगजेब के दरबार में जाके औरंगजेब को ललकारना ये एक मराठा राजा ने किया था, महाराष्ट्र के राजा ने किया था, कोई राजपूत या बाकी राजाओं ने किया नहीं था। महाराष्ट्र हमेशा गाइडिंग लाइट रहा है देश के लिए, और ये जो प्राइड है वो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, और यही कारण है कि मोदी इन्होंने और बीजेपी ने खास करके ये इस प्राइड को धक्का देने की कोशिश बार बार की है, मुंबई का महत्व कम करने की कोशिश की है। दूसरा, जो महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं, शिवसेना हो या एनसीपी हो, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनको जो इनका कद कम करने की जो कोशिश की, वो महाराष्ट्र की जनता को रास नहीं आई, और यही कारण है कि बीजेपी विधानसभा में भी इस पराजय का सामना करने जाएगी। और ये उद्धव ठाकरे को पता है, उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ी सिंपथी इसमें थी, और शरद पवार इनको भी सिंपथी थी, जो नरेंद्र मोदी भाप तो गए थे, इसलिए तो उन्होंने 19 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में वो उन्होंने मीटिंगें और रोड शो किया। 2019 में सिर्फ 9 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में गए थे, और 19 में से सिर्फ 3 को छोड़ के, यानी कल्याण जिसमें श्रीकांत शिंदे, उदयन राजे भोसले सातारा, और तीसरा पीयूष गोयल जो पहले से ही कद्दावर नेता है, इनको छोड़ दिया जाए तो सारे 16 जगह पे बीजेपी की हार हुई है। तो इतना बड़ा जो बीजेपी का जो पराजय हुआ है, वो बीजेपी को उसमें ध्यान देना होगा, लेकिन उबारने का समय अभी उनके पास नहीं है। संजय जी, लेकिन सुभाषी कुछ तो तरकीब करनी होगी, 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, मोदी जी और अमित शाह कौन सी तरकीब लगाएंगे, कौन सा दिमाग लगाएंगे, क्या लग रहा है आपको, किसको तोड़ेंगे, किसको फोड़ेंगे, ईडी सीबीआई क्या उतनी ताकत से भेज पाएंगे, क्योंकि अब सहयोगी दल भी कुछ ना कुछ कहेंगे भाई ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है, कम से कम नीतीश और नायडू से उम्मीद तो की जाती है, तो करेंगे फिर करेंगे क्या, महाराष्ट्र कैसे जीतेंगे। देखिए एक तो उन्होंने जो हथकंडे अपनाए थे, वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश आंबेडकर, इनको बहुत जबरदस्त उन्होंने ताकत दी थी, और उसके कारण 4 लोकसभा सीटें जो है वो उसका नुकसान महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को सहना पड़ा। तो अगर वो 4 सीटें अगर मिलती तो टैली 35 तक पहुंच जाती एनडीए की, वैसे ही वो इस बार करेंगे। बाकी जो लोकल लीडर्स है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि नवनीत राणा जिनकी जो पराजय हुई थी उसमें कांग्रेस के सारे नेता इकट्ठे आ गए थे, और कांग्रेस के सिर्फ नेताओं ने नवनीत राणा के पति रवि राणा इनको जिन को दुखाया था, वो एनसीपी अजीत पवार गुट के हो, बीजेपी के नेता हो, सबको इकट्ठा कर लिया। जो बच्चू कड़ू जो अभी शिंदे गुट के पास है उनको भी उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद नवनीत राणा इनकी हार हुई है। तो ये जो हथकंडे उसके पहले अपनाए थे उन्होंने, आनंदराज अम्बेडकर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पोते हैं उनको वहां पे बुलाया था, और वहां पे उनको ये लगा था कि 1.5 लाख वोट वो ले लेंगे तो उसमें कांग्रेस के वोट वो छीन लेंगे, वोट कटवा हो जाएंगे और हमारा फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने वहां पे सूझबूझ के वोटिंग किया, कांग्रेस के सारे गुट इकट्ठे आए। विदर्भ में भी ऐसा, विदर्भ में 10 सीटें हैं, 10 में से बीजेपी को सिर्फ नितिन गडकरी इनकी एक सीट मिली, बाकी और सीट नहीं मिली है। तो ये जो लोगों में जो एक संविधान के बारे में लोगों में जो जागृति हुई थी कि संविधान खतरे में हो सकता है अगर वापस बीजेपी आई, तो ये अभी भी भावना बीजेपी लोगों के मन में है, और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी पूरे हथकंडे करेगी और लोगों को तोड़ने की कोशिश करेगी ईडी सीबीआई को लगा के, और जो वोट कटवा लोग खड़े कर देंगे, वो उनके पास बहुत पैसा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के कारण, और यही हटकंडे वो अपनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के फांस उसमें आ जाएगी झांसे में। बिल्कुल ठीक है निरंजन जी, सुभाष जी का मानना है कि इस बार झांसे में नहीं आएंगे, और दलित वोटों पे संविधान का अभी भी असर है। आपके पास क्या लगता है, आपके पास क्या जानकारी है कि कौन सा प्लान इस्तेमाल कर सकते हैं अमित शाह और मोदी की विधानसभा चुनाव, समय इतना कम बचा है ना,
केंद्र का मंत्रिमंडल भी किन किन की नाराजगी झेले, केरल के एक मंत्री की कोई और खबर आती है, नीतीश बाबू अलग नाराज हैं, बिहार में राजपूत मुंह फुलाए बैठे हैं, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, क्या क्या किस किस फ्रंट पे देखेंगे, प्लान क्या होगा फिर महाराष्ट्र में फतह हासिल करने का? जी वही जैसे सुभाष सर ने अभी कहा वही करेंगे, वो वोट काटने के लिए जितने लोगों को खड़ा कर सकेंगे, जितने ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकेंगे वो सब करेंगे, बेतहाशा पैसा चुनाव में खर्च करेंगे, अभी भी किया, इस चुनाव में भी किया था लेकिन उसका असर नहीं हुआ। इतना प्रचार का, जैसे सोहित ने भी कहा था कि प्रचार का स्तर इतने ओछे स्तर पर गया था, का एक एक समय तो ऐसा था जब एटलीस्ट वैक्सीनेशन के लिए मोदी जी को वोट दो, ये फडणवीस ने कहा था, या मोदी की तरफ देख के वोट दो, इस किस्म की बातें हो रही थी। तो उसके जवाब में आम आदमी की रिएक्शन जो थी वो इस किस्म की थी कि बैल खरीदने के लिए जब बैल बाजार में जाते हैं तो मालिक को देख के थोड़ी खरीदते हैं, बैल देख के खरीदते हैं, तो मोदी को देख के वोट वीट नहीं देंगे, ये इतना था। और किसान, जैसे सुभाष सर ने कहा, सोहित ने भी कहा, महाराष्ट्र का किसान बहुत तकलीफ में है, चाहे वो प्याज का किसान हो, सोयाबीन का हो, या शुगर केन का हो, या कपास का हो, ये सारे तकलीफ में है और उनके मुद्दे की कोई भी बात नहीं कर रहा था पूरे चुनाव में, कहीं भी बात नहीं। मोदी जी के सारे स्पीचेस ये सिर्फ ये मछली मटन, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, मुजरा, ये उनको मुंह के बाहर वो जा ही नहीं रहे थे और उसकी वजह से लोग रहा देख रहे। मैनिफेस्टो, ये जो कांग्रेस का न्याय पत्र आया था वो भी लोगों में इतना असर कर गया था कि वाकई में उनके साथ न्याय होगा, ये एक भावना लोगों में आ चुकी थी, जिसके कंपैरिजन में बीजेपी के मैनिफेस्टो की तो कोई भी बात नहीं कर रहा था, ना लोकल लीडरशिप बात कर रही थी, ना सेंट्रल लीडरशिप बात कर रही थी, तो उनको कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं था। अमित शाह ने जिस किस्म से तकलीफ महाराष्ट्र के लीडर्स में को दी थी उसको भी देख लोगों को मन में उसके बारे में बहुत गुस्सा उसके बारे में था। और जिस तरह से मतलब शरद पवार जी या उद्धव ठाकरे इन दोनों की मानहानि करने का प्रयास हुआ तो डेफिनेटली महाराष्ट्र को ये पसंद नहीं आया। जैसे सुभाष सर ने कहा कि हाँ महाराष्ट्र में एक प्राइड है और वो 100% है, उस प्राइड की रिएक्शन इस चुनाव में आई। तो अब बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है, वो चाहे वंचित को मतलब प्रकाश अंबेडकर को सपोर्ट करे या MIM को महाराष्ट्र में सपोर्ट करे, उनको पैसा देकर चुनाव लड़ने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन ये होगा नहीं। ठीक बात है, मतलब इतना आसानी से हो ना हो तो वो नजर नहीं आ रहा। आखिरी सवाल सोहित आपसे कि इन परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कौन सा चाणक्य, राजनीति के चाणक्य जी कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लोग बैल देखेंगे या बैल के मालिक को देखेंगे महाराष्ट्र के? जी देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इनकी सबसे बड़ी दिक्कत इस चुनाव में भी क्या हुई। अब अगर नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी अगर राम मंदिर की बात करते हैं उद्धव ठाकरे भी करते हैं, उन्होंने तो पहले नारा भी दिया था हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार, तो ये हिंदुत्व वाली बात जो है वो महाराष्ट्र में उनकी दाल वो गली नहीं। यहाँ पर दंगे कराने की कोशिश की गई, मीरा रोड में दंगे कराने की कोशिश की गई, कोल्हापुर में दंगे कराने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद जैसे हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं जो बुलडोजर जस्टिस करने की कोशिश की जाती है, मीरा रोड में भी वो कराने की कोशिश की गई, गरीब बेचारे गराज वाले थे उनके गराज के ऊपर यहाँ पर इन्होंने बुलडोजर चलाए, उसका भी असर यहाँ पर पड़ा नहीं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को ये तो समझना पड़ेगा कि जो उनके पुराने हथकंडे हैं उसका असर नहीं पड़ रहा है। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत संजय सर यहाँ पर यह हुई है कि इन्होंने अपने जो नेता हैं उनके जो ग्राउंड रियलिटी है उससे बहुत दूर रखा है। आधे से ज्यादा जो आप देखेंगे वो देवेंद्र फडणवीस के कोटरी वाले नेता हैं, केवल जो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं उनके पीछे आकर चिल्लाने लग जाएंगे, उनकी बात में हाँ मिलाने लग जाएंगे, जनता के बीच में ये जाते नहीं है। साथ ही साथ इन्हें लगता है कि दूसरे लोगों को हम तोड़ फोड़ कर अपने साथ में ला देंगे उसका हमें फायदा होगा, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी का अब भी एक बेस महाराष्ट्र में है लेकिन वो कार्यकर्ता के पास कोई जाता ही नहीं, ये आप समझ लीजिए। ये बहुत हम दिल्ली मीडिया में देखते हैं कि RSS के जो लोग हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं, लेकिन यही RSS की बात जो सुभाष सर ने भी कही, जिस विदर्भ से RSS आता है, जिस विदर्भ से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, जिस विदर्भ से नितिन गडकरी आते हैं, आप देखिए उस विदर्भ में अगर वो एक सीट जीत पाते हैं भारतीय जनता पार्टी, जबकि पिछली बार 10 में से 7 जीत पाए थे, तब उसका कितना ज्यादा असर
इस चुनाव में देखने मिला है। आपने अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया है। आपके कार्यकर्ता जो अजीत पवार के खिलाफ कल तक लड़ रहे थे, जिनको जिस इकबाल मिर्ची की बात करते हो आप कह रहे थे कि ये प्रफुल्ल पटेल जो है जिनका मिर्ची के साथ धंधा है और उनको आप साथ में लेकर जुड़ रहे हैं और शपथ विधि से पहले एक टेबल पर आप खड़े होकर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें सामने आती हैं। महाराष्ट्र की जनता मूर्ख नहीं है। आप यहाँ पर वो नेशनल एजेंडा वाली बात नहीं कर सकते, आपको लोकल पॉलिटिक्स पर बात करनी होगी। और ये पूरे इलेक्शन में आप देखेंगे कि एक भी नैरेटिव नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तैयार नहीं कर पाई। अगर सवाल होता था मोदी वर्सेस हु तो यहाँ पर जवाब था मोदी वर्सेस उद्धव ठाकरे एंड शरद पवार। यहाँ पर यह कहा जाता था कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो कांग्रेस जो एक सीट जीत कर आई थी 2019 में, उन्होंने ये लोकल पॉलिटिक्स पर ध्यान दिया। माढ़ा के अलग मुद्दे हैं, हर जगह के अपने अपने मुद्दे थे, तो अपने अपने मुद्दों को उठाकर कास्ट पॉलिटिक्स को देखकर उन्होंने वैसे वहां पर कैंडिडेट्स दिए, उसका असर देखने मिला। जो न्याय पत्र है उसकी बात उन्होंने की, उद्धव ठाकरे ने अपने मुद्दों की बात की। इन्होंने कोशिश यहाँ पर की थी, MTHL का उद्घाटन किया गया, कोस्टल रोड का उद्घाटन किया गया, लोगों को विपक्ष अपने नैरेटिव लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहा। उद्धव ठाकरे का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। तो कम से कम इन्हें अपने नेताओं को ग्राउंड लेवल पर तैयार करना होगा, जो देवेंद्र फडणवीस भी अभी तैयार नहीं करा पा रहे हैं, जिन्हें महाराष्ट्र का चाणक्य माना जाता है। और ये जो एरोगेंस ऑफ पावर इनके पास आया था कि मैंने बदला ले लिया, मैंने दो पार्टी तोड़ दी, वो लोगों को पसंद नहीं आया। तो जब तक आप मूल यहाँ पर जो मराठी मानुष के बारे में बात होती है या सन्स ऑफ द सॉइल की बात होती है, जब तक आप इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे कि जो निर्यात जो रोकी गई थी आपने प्याज के किसानों की, या कपास को जो बात नहीं, जो सही पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सोयाबीन बिकता 4,000 रुपए में और उसके 20 खरीद रहे हैं अब 10,000 रुपए में, तो सोयाबीन का किसान क्यों वोट देगा? और आप 2,000 रुपए 4 महीने में उनके खाते में डालेंगे और आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी तुमको 6,000 रुपए साल का देता है इसलिए आप नरेंद्र मोदी को वोट दो, तो ये तो किसानों का आप अपमान कर रहे हैं। तो ये जो मूल मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अगर एक सलाह देनी होगी वो ये होगी कि आप अपने जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं उन्हें तैयार कीजिए, जो ग्राउंड के मुद्दे हैं उसे तैयार कीजिए। मटन मछली मांस और मंगलसूत्र, ये इसका महाराष्ट्र पर असर देखने नहीं मिलेगा। यहाँ के कई तमाम मुद्दे हैं जिस पर आपको बात करना होगा। सूखा का मुद्दा है, आपके अलग अलग ग्रामीण इलाकों में बारिश शुरू है, उसके वजह से भी हम देख रहे हैं कि असर हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? और इसी पर कहीं ना कहीं फोकस राहुल गांधी नेशनल लेवल पर करता है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो है सन्स ऑफ द सॉयल और जो लोकल सेंटिमेंट्स हैं उस पर उन्होंने इस पूरे चुनाव को लड़ा। तो इस पर कम से कम बीजेपी को काम करने की जरूरत है। 2-4 महीने का समय है, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति में भी आप देखिए देश भर में 80% लोग जिन्होंने पार्टी बदला, वो चाहे किसी भी पार्टी में गए हों, 80% कैंडिडेट चुनाव हार गए, तो लोग ये बात समझ रहे हैं। तो आपकी जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं चलेगी, आपको एक्चुअल मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। हवाबाजी वाले मुद्दे हो या गोदी मीडिया पर जो मुद्दा चल रहा हो, चाहे इन्होंने सैम पित्रोदा का मुद्दा उठाया था, मैं ग्रामीण महाराष्ट्र में मौजूद था, लोगों को सैम पित्रोदा कौन है क्या पता, और सैम पित्रोदा क्या कहते हैं उससे ग्रामीण लोगों को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसे अगर आप मुद्दा बनाएंगे तो इससे पता चलता है कि आप जमीन से जुड़े हुए नहीं है। आप जब जमीन से जुड़ेंगे, जमीनी मुद्दों को उठाएंगे, तब शायद आपको वोट्स मिले। तो इनको जमीनी मुद्दों पर ध्यान देना होगा। केवल मोदी फडणवीस इनके नाम पर लोग वोट नहीं देते हैं, जमाना बदल चुका है, उनके अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपके बारे में विचार नहीं करेंगे, ये मैं मानता हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोहित भाई, और मुझे भी यही लगता है कि अब आप मटर मंगलसूत्र और आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, टोटी खोल के ले जाएंगे। जनता समझ गई है कि आप किसकी टोटी क्यों खुलवाना चाहते हैं, किसका मंगलसूत्र लेना चाहते हो, मुजरा कहां कहां कराना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित भाई, मनीष जी और सुभाष जी, आपने कीमती समय दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, शुक्रिया, थैंक यू। आप देख रहे थे 4P और हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की चर्चा की। जाहिर है कि आज के विद्वान जो महाराष्ट्र के पत्रकार थे, उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति का खाका आपके सामने खींच के रख दिया। उसको यकीन है चर्चा आपको पसंद आई होगी, अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। आपका प्यार मेरे लिए कीमती है, इसे बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।